जिस थाली में खाता है उसमें छेद करता है वाला करियर होता है वो सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर इंजीनियर सबसे ज़्यादा अपनी जॉब जॉबोंगाली देते हैं, सबसे अच्छा पेड होते हैं सबसे तो ज्यादा ये मुझे जानना है ये एटीन हंड्रेड्स की पोलिटिकल आइडियोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है बट मैं इकोनॉमिक रेफ्यूजी हूँ मैं पैसा कमाने गया हूँ क्योंकि भारत में पैसा क्यों नहीं था इसका कोई आंसर नहीं मिलता है ये एक बहुत ट्रूथ बॉम्ब ओरिएंटेड पॉडकास्ट है ट्रूथ बॉम्ब फेंक रहे हो मतलब हर कोई यहाँ के कहता है कि आप यू कैन टेक ऑन चाइना बीट चाइना बट आप चाइना में घूमे हो वहाँ बिजनेस किया है अब उसने तो स्टेप में बोला कि भाई अगर तुमको जो बनाना है तो शन में महीने बिता लो सीख के अच्छा सच्ची बात है यू गो एंड टेक दिस दिसजन जैसे होते हैं ना ऐसे यहाँ पे मॉल होते हैं वैसे वहाँ मॉल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल छोटे 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 छोटे, -छोटे हजारों बंडर अपना काम कर रहे होते हैं उनको बोलो ये बनाना है और तुमको ये तीन महीने so और सबको बोल रहा हूँ भैया गूगल बंद करो यूज़ करो सबको बोल रहा हूँ इंडियन भैया की कंपनी है गूगल सर्च की बात ऐसे ही सवाल मैंने पिच किए थे संजीव सनियाल को जो इकोनॉमिक एडवाइजर्स है मोदी गवर्नमेंट के लिए ये आपका पर्सपेक्टिव एक बिजनेस ओनर का पर्सपेक्टिव है एक्चुअली जब आप देश को रन कर रहे हो तब आपको एक बहुत ज्यादा वाइड परस्पेक्टिव देखना पड़ता है अगर आप इंडियन ट्विटर यूज करते हो आपने डेफिनेटली प्रोटोस्फिंग्स के ट्वीट्स पढ़े होंगे शशांक दीक्षित इज रियल लाइफ प्रोटोस्फिंक्स ये एक इंडियन ट्विटर का बहुत स्मार्ट अकाउंट बहुत शार्प अकाउंट माना जाता है आज हमने प्रोटोस्फिक्स को एक्सपोज किया है टी आर एस पर बट रियल लाइफ में शशांक भाई एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड ऑन्टरप्रनोर है इनकी एक बड़ी सास कंपनी है जिसका नाम डेस्केरा 300 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू है इस कंपनी का एक बहुत ही एक्सपीरियंस ऑन्ट्रप्रनोर है इनकी शुरुआत हुई थी आईआईटी से बहुत बढ़िया बिजनेस ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड और इंडियन जियोपोलिटिक्स ओरिएंटेड कॉन्वर्सेशन हुई है कि भारत में स्पेशली जेनजीज के लिए और मिलेनियल्स के लिए जो लोग अब अपने ट्वेंटीज़ में उनका माइंडसेट क्या होना चाहिए उनके हैक्स क्या होने चाहिए और उनकी बिजनेस पाथवे क्या होनी चाहिए ऐसी कॉन्वर्सेशन हुई है तो अगर आप एक देशभक्त हो या अगर आप बहुत मोटिवेटेड और एम्बिशियस इंसान हो लाइफ में कुछ फाड़ना अपने देश के लिए कुछ करना तो ये पॉडकास्ट एंड तक देखिए शशांक भाई के साथ बहुत ही स्मार्ट पॉडकास्ट लेके आए हैं आज हमारे सामने बैठे हैं बहुत ही स्मार्ट गेस्ट जब भी पॉडकास्ट का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा मैं ये डार्क ग्लासेस पहन लूंगा शशांक दीक्षित का स्वागत है आप? बस आप थोड़ा डर लग रहा है इस <laughs> <laughs> बात का डर यार? बाहर आपसे बात हुई थी मुझे पता है कि आपके कॉन्वर्जेशन का लेवल क्या है इसलिए आई एम एक्साइटेड एज अ पॉडकास्टर पर I'm scared to see. Uh, खुद को आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे शशांक सर शशांक निश्चित नाम है यार हमारा और हमारी एक कंपनी है उसके लिए हम काम करते हैं और क्या करते कितनी बड़ी कंपनी है बड़ी का मतलब रेवेन्यू की बात कर रहे हैं आप तो देखिए हमने रुपए के हिसाब से करीब तीन सौ सीआर का बिजनेस किया होगा लास्ट ईयर आज के पॉडकास्ट के लिए आपकी इंटेंशन क्या है मतलब आप क्या करना चाहता हूँ आज के पॉडकास्ट के साथ एक नेशन होता है कोई भी नेशन होता है तो उसकी एक कल्चरल ड्राइव होती है इंडिया में पीएम जितना बोल ले कि यू नो साफ करो आ, आ, मेक इन इंडिया अगर हम बॉटम अप कल्चरल चेंज नहीं लाएंगे तो वो कभी नहीं होगा और कल्चरल चेंज लाने के लिए कॉन्वर्सेशन होना बहुत ज़रूरी है और हमारे कॉन्वर्सेशन देखा करो टीवी पे देखो कहीं पर भी पब्लिक में देखो तो इन बातों पे होते ही नहीं है कल्चरल चेंज कल्चरल चेंज इन टर्म्स ऑफ हमें कैसा नेशन बनना है हमें क्या मिस हो रहा है एक एग्जांपल देता हूँ मैं ये बताओ कि चाइना में कितनी कार कंपनीज हैं कार कंपनीज गैस करो इंडिया में भाई तब दो कार कंपनी हैं टाटा और महिंद्रा तीन ले लो मारुति मौल, सुजुकी भी ले लो इंडियन चौथी नहीं है यू नो दैट राइट चाइना में कितनी है जो चाइनीज़ है कैस करो प्लीज पच्चीस चाइना में हंड्रेड ब्रांड्स हैं और पचास कार कंपनीज़ हैं और जो इनकी टॉप चार है, वो हैं वो सब पचास बिलियन से ऊपर हैं बी वाई डी सौ बिलियन की कंपनी है बी वाई डी एज इलेक्ट्रिक कार मेकर कंप्यूट टेस्ला सौ वर्सेस तीन ये समझ रहे हो डिफरेंस समझ रहे हो सौ कार कंपनीज़ का मतलब सौ ब्रांड है आ, टीम्स सौ हैं जिसके सौ इंजीनियर्स सौ टीम्स ऑफ इंजीनियर्स हैं सौ डिज़ाइनर्स हैं उसके जो टीम्स ऑफ डिज़ाइनर्स हैं वो जो कंजम्पशन है सौ कार कंपनी जो प्रोड्यूस कर रही है उसके लिए जो इंफ्रा चाहिए और उसका जो इंफ्रा का जो रिजल्ट होता है वो इंडिया कंपैरिजन में दस बीस सौ गुना डिफरेंट है इंडिया का जो कार का जो पनिट्रेशन है हाउस होल्ड्स पकड़े हैं ना इंडिया में तीन सौ मिलियन हाउस होल्ड्स हैं आठ परसेंट है ठीक है तो या तो हम बोल रहे हैं कि भाई जो अस्सी नब्बे परसेंट हैं वो कभी कार नहीं लेंगे तो क्या उनको कभी कार का सुख नहीं प्राप्त होगा या तो हम लोग ये कह रहे हैं और या हम लोग ये कह रहे हैं कि नहीं उनको कार चाहिए पर हम लोग जादू से कार क्रिएट करेंगे क्योंकि तो तीन कंपनी तो नहीं करने वाली है उसके लिए तुमको तो सौ कंपनी चाहिए ये कॉन्वर्सेशन इंडिया में होता ही नहीं है नितिन गडकरी की बात इसीलिए कर रहे थे हम लोग कि हमारे हाईवे अच्छे इसलिए बन गए क्योंकि वो आदमी बोला कि हाईवे बनाने हैं भैया हमें नहीं मतलब है कि वो फंडिंग कैसे होगी हम अरेंज करेंगे एग्जीक्यूशन हम अरेंज करेंगे पर हाईवे चाहिए ये कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा है पता है बेसिकली आप ये कह रहे हो कि पॉडकास्ट के थ्रू लोगों तक आपकी आवाज़ पहुंचेगी और जो कॉन्वर्सेशन यहाँ हो रही है जो आइडियाज यहाँ पिच हो रहे हैं शायद कुछ लोगों को हिट कर लेंगे वो आइडियाज उनके दिलों में मेरी भी मिशन यही है इस पॉडकास्ट के साथ कि लोगों की सोच थोड़ी सी बदलनी है इंक्रीमेंटली बदलनी है और काफ़ी हद तक बदली है विद रिस्पेक्ट टू तो स्पिरिचुअलिटी विद रिस्पेक्ट टू तो इमोशनल हेल्थ मेंटल हेल्थ वगैरह पर जब हम देश से रिलेटेड टॉपिक्स की बात करते हैं इन ऑर्डर टू तो मेक इट रिलेटेबल पहले मुझे पॉलिटिक्स की बातें करनी पड़ती है क्योंकि आई पर्सनली फील हमारा देश एज अ मास पॉपुलेशन अब तक पॉलिटिक्स में फंसा हुआ है और पॉलिटिकल चर्चा में फंसा हुआ है जबकि चर्चा ऐसी होनी चाहिए गलत गलत पॉलिटिक्स में फंसा हुआ है क्योंकि हमारी पॉलिटिकल डिस्कशन अठारह अठारह की सदी में जो डिस्कशन होते थे ना वही हो रहे हैं एक अठारह सौ में आइडिया आया था पॉलिटिक्स का जी वो अभी तक फॉलो हो रहा है उसके बारे में मैं डिस्कशन करने का फ़ायदा नहीं है ये चल रहा है इक्कीसवीं सदी और इक्कीसवीं सदी की पॉलिटिक्स अलग होगी वो ड्रिवन बाय प्रोडक्शन होगी वो ड्रिवन बाय मैन्यूफैक्चरिंग होगी वो ड्रिवन बाय इंडिविजुअल इंटरप्राइज होगी ये मुझे जानना है ये एटीन हंड्रेड्स की पोलिटिकल uh, आइडियोलॉजी ये बहुत इंटरेस्टिंग है मैंने पोस्ट भी लिखी है मेरा मैं कानपुर से आया हूँ एलगिन मिल करके कानपुर में बहुत बड़ी मिल हुआ करती थी मेरे घर से सौ मीटर दूर है वो बहुत बढ़िया मिल थी बंद करा दिया इन लोगों ने यार बंद करा दिया एल्गिन मिल लाल इमली दुनिया में एक्सपोर्ट करती थी, थी यार दुनिया में मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट ऐसे मजाक नहीं करते थे कानपुर में यार ऐसी मिले हैं गाड़ी चलाओगे लेफ्ट राइट दिखेंगी बॉम्बे में मिलती अभी राइट बॉम्बे में बहुत सारी मिल जो है जो अभी शॉपिंग मॉल है शॉपिंग मॉल बट कानपुर में वो मिल जो बनती थी वो रियल थी मतलब इन यहाँ पर भी रियल थी चलो मतलब कि वो वाकई में वर्ल्ड क्लास थी अलग वॉज प्रॉबली टॉप टू टॉप थ्री इन द ब्रिटिश सब बंद करा दी जो हमारी इंडिया की सिचुएशन है आज की डेट की कि हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं वो सिचुएशन एक्सट्रीम होती जा रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी हर जगह पहुंच गई है हम लोग चिप की बात करते हैं चिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए ए की वजह से ड्रोन की वजह से वो इंडिया में चिप्स नहीं बनते हैं आप बना रहे हैं लेकिन पहले नहीं बनते थे एक अगर कोई वॉर छट जाए या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इंडिया को किसी से लड़ाई करनी पड़े या कोई यू you नो know, अपना खुद ही देखना पड़े काफ़ी ख़राब सिचुएशन है चाइना से तो हम लोग देख ही रहे हैं फिर पाकिस्तान से वॉर हुई तो बड़ा वालों से वॉर करती है ना इंडिया की <laughs> <laughs> बड़ा वालों से वॉर करो यार उनके बाद नियुक्त हैव आपक देशन टू सस्टेन अ वॉर बट अपना चाइना के साथ तो इशू चलता रहता है बट आप ये देखिए ना कि हमने इतने साल उसको इग्नोर कैसे किया हम लोग मैं इकोनॉमिक रेफ्यूजी हूँ मैं भारत छोड़ के इसलिए नहीं कि मुझे कोई शौक है मैं तो वेजिटेरियन खाने वाला आदमी बाहर खाने में भी नहीं मिलता वेजिटेरियन मैं तो वहाँ पर हर जगह जाता हूँ तो सबसे पहले वो जो नहीं मेनू में देखते हैं तो सब स्कैन करके वो एक चीज़ होती है ना जिसमें hmm. आलू होता है वो ही ऑर्डर कर पाते हैं मैं तो बिजनेस hmm. लंच में जाता हूँ खुद नहीं खाता हूँ सामने वाले का पैसा पे करता हूँ मुझे कोई शौक नहीं है बाहर रहने का कोई शौक नहीं मैं तो यहाँ पर लौट रहा हूँ खाना खा खा के बट मैं इकोनॉमिक रेफ्यूजी हूँ मैं पैसा कमाने तो गया हूँ क्योंकि भारत में पैसा नहीं क्यों नहीं था इसका कोई क्वेश्चन जब करता है तो आंसर नहीं मिलता है है ना क्यों नहीं था क्योंकि हमारे यहाँ इलीगल था धंधा बनाना नाइनटीन नाइन्टी तक राइट right? हम लोग बोलते हैं कैपिटलिज्म 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 का एक वर्ड है कैपिटलिज्म वर्ड के काफ़ी मतलब है मेरा मतलब कैपिटलिज्म से नहीं मेरा मतलब फ्रीडम से कि फ्रीडम दो आदमी में होना चाहिए यू एन मी टू ट्रांसक्ट मैं कुछ भी बनाऊ तुम कुछ भी बनाओ मैं हम बेचें तुम खरीदो तो, तुम बेचो हम खरीदें इसमें सरकार बीच में क्यों आ रही है आज भी सरकार आती है यू you नो know, ये फना टैक्स वो फना टैक्स काफ़ी इशूज हैं वो फ्रीडम आज तक नहीं आया है एग्जाम्पल प्री नाइन्टी इज नाइसेंस राज कि hmm. आप तो कार भी नहीं बना सकते थे पोस्ट नाइन्टी इज यूजिंग द स्टेट मशीनरी लाइक टैक्स राइट अब इतना सारा टैक्स है हर चीज में रेगुलेशन है मैं तो जी सॉफ्टवेयर बनाता हूँ मैंने पोस्ट भी किया है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार स्मॉल बिजनेस के लिए ये चीज़ समझ में नहीं आती है छोटी सी चीज़ है कि जो छोटा बिजनेस है उसको जितना कॉम्प्लिकेट करोगे वो फॉलो नहीं कर पाएगा भाई हम लोग पॉडकास्ट में आराम से बता रहे हैं तो समझ लो टैक्स कितना डिफ़िकल्ट है तो एक जो छोटा आदमी है अगर वो टैक्सेस समझ नहीं पाएगा कि भैया ये कप में पंद्रह परसेंट है इसमें अट्ठारह उसमें इस तीन उसमें चार ऐसे नहीं करना चाहिए ना तो ये जो माइंडसेट है कि जो स्मॉल बिजनेस है वो And if they somehow owe some success or some part of the success to the country, should you know, and not grow themselves. That's a different concept. Freedom of concept is that you can do End of the year, okay, we'll make it easy for you to submit taxes. Everybody needs taxes, clearly, and we can make it extremely easy, which is what ease of doing business is. That nobody has to you know think twice in terms of paying taxes. That's how it should be. But if I need Rs. 10,000. टैक्स के तो या तो दस परसेंट ऑफ सौ हो सकते हैं या पाँच परसेंट ऑफ दो सौ हो सकते हैं या एक परसेंट ऑफ हज़ार हो सकते हैं तुम हज़ार करो ऐसे ही सवाल मैंने पिच किए थे के वी सुब्रमण्यन को और संजीव सनयाल को जो इकोनॉमिक एडवाइजर्स है मोदी गवर्नमेंट के लिए डिसाइड कि ये आपका परसपेक्टिव एक बिजनेस ओनर का परस्पेक्टिव है बट पर एक्चुअली जब आप देश को रन कर रहे हो तब आपको एक बहुत ज़्यादा वाइड परस्पेक्टिव से चीजें चीज़ों को देखना पड़ता है Uh, I, again, I don't know what their response is to your input about uh taxation. Go simplify yeah, I'm sympathetic is. to Sanjeev Sanyal because he has been given this task in the last five ten years. This is a mess that was created for 50 years. Right? So you can't solve 50 years of mess in like 5 years. Exactly. And that too, you know, you need to like you have come in and taken a job and you know, you understand the situation and the system in 5 years. You can't just press a button and solve these problems.

एक एक कहावत है इंग्लिश में कि यू आर नॉट इन ट्रैफिक यू आर ट्रैफिक राइट वी आर नॉट इन ट्रैफिक वी आर ट्रैफिक राइट तो हम चेंज करेंगे और हम चेंज होंगे और एक एक करके एक कॉन्वर्जेशन बढ़ाएंगे अभी हाई आर क्यू वालों की बात कर रहे हैं तो हाई आर क्यू वाले समझें पहले सो आई टेल यू वन थिंग कि इंडिया की इकोनॉमी साढ़े तीन ट्रिलियन पर है तीन साढ़े तीन ट्रिलियन पर राइट right? हम लोग दस साल में सात छः सात में पहुंचेंगे छः सात में पहुँच जाएंगे ना जो एडिशनल साढ़े तीन ट्रिलियन आएगा वो हम ही लोग से आएगा उसमें सबका हमारा खाता उसी में लिखा हुआ है कही कहीं ना कहीं है ना सबका लिखा हुआ है हमको ये डॉट कनेक्ट करना है कि वहाँ पर हमारा खाता कहाँ पर लिखा है और एग्जाम्पल्स हम जैसे देते हैं चाइना के मैन्युफैक्चरिंग हार्ड चीज़ें बनाना जैसे ये माइक है ये माइक एस एन सेवन बी चाइना से आया है है ना हमको पता है ये इंडिया बनने वाला है अगले पाँच साल में नह अभी कौन बना रहा है इंडिया में वो पैसा बनाएगा और ये जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़, एग्जाम्पल है ऐसा कुछ मतलब इतना इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम प्रोड्यूस करेंगे कोई चीज़ और उससे हमारा पैसा बनेगा ये हमारे कल्चरल में अभी तक नहीं आया मतलब हमने बताई ना कि हम हमेशा शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं कि यार ऐसे कोर्स भेज दिया ये कर लिया वेबसाइट बना दिया एआई के बाद अभी सॉफ्टवेयर में पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है ये मेरा पर्सनल

इसका भी एक बहुत लंबा डिस्कशन है बहुत लंबा डिस्कशन है पांच मिनट में कन्विंस करके बताते हैं लास्ट ईयर यह क्रिप्टो काफी चल रहा था उसमें एन करके चीज आई थी एनएफ में यूनिक इमेजेस दिखा रहे थे वो लोग यूनिक इमेजेस लो और ये इतने की पैसे की भी गई राइट वो जो यूनिक इमेजेस थी वो डैली सुना डेली ओपिन आई का जो इमेज क्रेटर है ना उससे बन रही थी नॉट डेली इट्सल बट इमेज जनरेटर से बन रही थी क्रिप्टो गिरा एक महीने के अंदर ए आ गया तो मेरी कॉन्सपरेंसी थ्योरी ये है कि यार ये सब क्रिप्टो पे सारे जो बिकॉज यू नीड अ लॉट ऑफ चिप्स फॉर क्रिप्टो राइट जो, जो चिप्स जो हमारे एक्सपेंसिव uh, जो एन वाले चिप्स होते हैं ना वो माइंड करने के लिए ज़रूरी होती है क्रिप्टो में क्रिप्टो की वैल्यू गिरी तो उनके पास जो इन्वेंट्री थी उनका करें क्या लगा दिया है पर ये मेरी पर्सनल कॉन्स्परेंसी थ्योरी है अगर कोई ट्विटर पर बम मार के आ जाए तो भैया भूल चुक लेनी देनी बट वी हैव सीन आफ्टर दैट गुड न्यूज इज कि इज अ वेरी रियल थिंग सो यार लास्ट ईयर तक तो स्पेल चेक ढंग से नहीं करता था hmm. मतलब हम लोग अगर एक साल दो साल पहले जाए तो हाला वो सेंटेंस नहीं लिख पाता था hmm. है ना जीवेल में टाइप करो और अभी जनवरी वनवरी में पकड़ा पूरा अंग्रेजी बोल रहा है हिंदी hmm. बोल रहा है अभी हिंदी में बात करता है पूरा हिंदी मराठी सब में बात करता है और आजकल तो भैया हमसे ज़्यादा अकलमंदी बातें करता है लोग उससे ऐसे बात करते हैं कि जैसे मतलब दोस्त और सखी और सहपाठी हो सो वॉट यू सीन इज अ प्रोग्रेस नहीं आई दैट इज़ अनबिलीवेबल मैंने एक भी थोड़ी देर पहले ट्वीट मारी थी कि जो उन्नीस में लोग हुआ करते थे उन्होंने तो देखा कि कैसे फ्लाइट आई उन्नीस में फ़्लाइट आई थी मतलब फ्लाई किया और फिर स्पेस फ्लाइट आई और फिर मून मूम्र पहुँच गए चांद पे पहुँच गया 69 तक तो 70 साल में उन्होंने सब कुछ देख लिया वो हम लोगों ने तीन साल में देख लिया तीन साल पहले तो कुछ थी नहीं यार नहीं। अरे मतलब स्पेल चेक नहीं कर अभी अभी भी आईफोन का कीबोर्ड बोर्ड ढंग से चलता नहीं है नहीं। और ये चार जी देख लो घर पे आकर ऐसे बात करता है ऐसे चल अब जिंदगी में जानता हूँ हमारा <laughs> और एक सर्च इंजन है जो हमारे अच्छे दोस्त चलाते हैं परप्लेक्सिटी सबको बोल रहा हूँ भैया गूगल बंद करो परप्लेक्सिटी यूज करो सबको बोल रहा हूँ क्यों इंडियन भैया की कंपनी है गूगल सर्च की बाप है गूगल सर्च मत करो उस परप्लेक्सिटी पर जाओ उस ऐप है उनका साइट भी है जाके पूछो कुछ भी ऐसे की पूछो भैया रणवीर जी कौन है पूरा चिट्ठा लिख देगा यार गूगल सर्च तो लिंक देता है ना कि इस पर क्लिक करो इस पर क्लिक करो वो तो जैसा मिडल मैन नहीं होता बिचौलिया ऐसे hmm. नहीं यहाँ चले जाओ <laughs> अबे तुमसे पूछ लो तुम दो तो? नहीं 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 वहां उनसे पूछ लो भैया जाके और hmm. वहां क्लिक किया तो वहाँ पर पचास ऐड आ रहे हैं ये खरीद लो वो खरीद लो चड्डी खरीद लो अब तुमसे काम की बात पूछने तो पब्लिसिटी ए है जो पूरे काम की बात होता है उसमें पूछो स्विंग्स कौन है पूरा बताएगा मेरा असली नाम पूछो तो भी बता देगा और वो

जहां भी आप इकोनॉमिक्स की बातें कर रहे हो वहां मैं आपको रुका रहा हूं। मेरी ऑडियंस कानपुर वाले हैं तो मैं ध्यान से कानपुर वालों से बात कर रहा हूँ हाँ हाँ आ, ओके ए से बात करने के पहले जो आपने पप्लेक्सिटी की बात करी आ, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देना चाहूँगा अगर एक क्लास में पचास बच्चे हैं और सारों ने पप्लेक्सिटी यूज़ किया किसी प्रोजेक्ट के लिए तो सारों के आंसर सेम निकलेंगे इसका ये मतलब है कि पप्लेक्सिटी की कोर टीम के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगा एंड देन दे कैन मैनिपुलेट नैरेटिव अबाउट एनी थिंग ये क्रिटिसिज्म होता है एआई का और गूगल सब्सटीट्यूट ये चीज ध्यान रखो टेक्नोलॉजी में जब एक नाइफ में धार होगी तो उंगली काटेगा ये ध्यान रखो भैया जो भी चीज यूज हो सकती है काटने के लिए सब्जी बनाने के लिए वो तुम्हारे खिलाफ भी हो सकती है आग जब इन्वेंट हुई थी खाना बनाने के लिए तो वो घर भी जला देती है गुलजार जी का डायलॉग है माचिस मूवी का डायलॉग है तो कोई भी चीज काम वाली होगी वो बाय डिफेक्टिव बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट काम में आ सकती है वो गलत काम में भी आ सकती है हम्म hmm. हम्म ये ये चीज ध्यान रखना लाइफ का प्रिंसिपल है कोटा hmm. सिक्का जेब में पड़ा रहता है क्योंकि चलता नहीं है hmm. है हम्म ना काम वाली चीज हमेशा अगेंस्ट भी हो सकती है क्योंकि काम की है समझ रहे हो बात को बात को समझ रहे गोली बनाई गोली का सलाह अच्छा काम क्या है <laughs> अच्छा काम ही नहीं है उसका लेकिन चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं नाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल है तो अगर नाइफ में धार नहीं है जी। तो ना तो वो सब्जी काटेगा का, ना उंगली काटेगा का, किसी काम का नहीं है फिर तो हमको ये नहीं करना चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस ही नहीं करेंगे अरे भैया नाइफ से कट जाता है हम लोग भैया हाथ से काटे ऐसा नहीं होता है आग इज अ टेक्नोलॉजी फायर इज टेक्नोलॉजी राइट फर, फर्स्ट टेक्नोलॉजी व्हील से हाँ व्हील का एग्जाम्पल है रथ भी बन सकता है और उस रथ से किसी को जाके मार भी सकते हो जल्दी दौड़ के है ना तो मेरा ये अपना स्टेटमेंट है कि टेक्नोलॉजी कैन ओनली डू टू थिंग्स रिड्यूस डिस्टेंस एंड रिड्यूस टाइम ओके मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि सॉफ्टवेयर के बारे में थी कि कंपनी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनीज अब क्या कह रहे थे कि शायद स्कोप नहीं है इतना अब बेसिकली ये कह रहे थे बात यह है कि जैसे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करती है जी ठीक है तो वो जो आसान चीजें होती हैं उसको फ्री कर देती है जैसे आपका दस बीस साल पहले व्हाट्सएप नहीं था तो टेलीग्राम भेजना पड़ता था पैसे लगते थे व्हाट्सएप आए तो फ्री हो गई कॉल्स दस साल पहले दूल्हे राजा का मूवी का सीन है जॉनी लीवर कादर खान को फोन देता है मोबाइल फोन उस टाइम का है जब मोबाइल फोन की कॉस्ट बहुत होती थी, थी अगर कोई उल्टा सीधा बोलता है तो कादर खान गुस्सा होता है तो जॉनी लीवर बोलता है अरे अरे, अरे बात करिए लाइन चल रही है उसने एक्सप्लेन नहीं किया कि इसका मतलब क्या है अभी कोई देखेगा कि लाइन चलने मतलब क्या है उस टाइम पे एक मिनट में साठ रुपए लगते थे मोबाइल फोन पे राइट तो मोबाइल फोन की कॉस्ट बहुत थी फिर व्हाट्सएप आया फ्री कॉल्स फ्री सब फ्री जियो आ गया तो उसने और ही फ्री कर दिया जो आज की डेट में अगर तुम बोलो कि यार मुझे एक कॉलिंग टूल बनाना है जो कॉल करेगा तो कोई फायदा नहीं उसका राइट ना यू हैव टू प्रोग्रेस एड लेटर कुछ और बनाना पड़ेगा तुमको उसके ऊपर फोटो टूल से फायदा नहीं होने वाला दस पंद्रह साल पहले फोटो के लिए मैं जाकर खिंचाता था इसी नहीं फोटो खिंचती थी दस रुपए की तो इसी तरह सेस और सॉफ्टवेयर जो आसान बन जाएगी है से वो बनाने से पैसा नहीं बनने वाला और कॉम्प्लिकेटेड चीज बनानी पड़ेगी विच विल रिक्वायर मोर मोर एफर्ट मोर टाइम एंड टू दैट आई आई एम सेंग कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट सॉफ्टवेयर बनाना इफ यू फोकस ऑन सिंपल हार्डवेयर पंखा पंखा एक कंपनी आइटम बर्ग क्या उसमें सॉफ्टवेयर है हाँ थोड़ी बहुत होगी क्या उसमें अकल लगाई हाँ, लगाई होगी लेकिन पंखे की डिमांड है मार्केट में अगर वो वेबसाइट बनाने वाली कंपनी बनाते हैं तो क्या उनकी डिमांड इतनी ना मिलती एग्जाम्पल्स आर वेरी नेटिव टू द डिमांड लाइक आइडिया फोर्ज कंपनी जो आईपीओ गई है अच्छा काम कर रही है ड्रोन बनाती है अब वो बैठ के बोलते कि नहीं मुझे सॉफ्टवेयर बनानी है तो क्या तो सक्सेसफुल ना होते सो द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आंटोपन बात करें पैसे बनाने हैं Um, hmm. बच्चों को पैसे बनाना है तो आई थिंक दैट पैसा बनाना विल कम फ्रॉम फिजिकल हार्ड थिंग्स जी एंड विल नॉट कम फ्रॉम सॉफ्ट थिंग्स एंड द नेशन एंड द कंट्री नीड्स हार्ड थिंग्स एनी वे सो हाउ डू वी गेट देयर इट्स हार्ड येस वी एग्री यू मे थिंक सॉफ्टवेयर इज ईजी बट इट इज़ नॉट यू नो बाय द वे यू वट मेक मनी ऑल्सो सो इफ यू स्पेंड दैट टाइम ऑन हार्डवेयर एंड वी आर हैल टू हेल्प एंड गाइड यू ऑन दर मेरे पास रोज तीन चार बिजनेस प्लान्स आते हैं कि भैया हार्डवेयर बनाना है मैं उनको बताता हूँ भी ऐसे करना है दो तीन लोग उसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं इफ़ यू टेक दैट पाथ पैसा बना सकते हो तो मेरा ख्याल से अगले पांच साल हार्डवेयर में पैसा है दैट इज आई टू कम टू ऐसे ये जो uh, माइक का जो स्टैंड uh, है ये इंडिया में कहीं ना कहीं बनेगा आज बन रहा है नहीं बन रहा है ये मुझे नहीं पता लेकिन कल हंड्रेड परसेंट इंडिया से आएगा यहाँ एक बाईस साल का फ्रेश कॉलेज ग्रैड एक हार्डवेयर बिजनेस स्टार्ट कर सकता है या नहीं क्योंकि आई वुड अज्यूम की सबसे बड़ा चैलेंज फंड है इस गेम में बेसिकली शायद आप कर लोगे क्योंकि बेसिकली हम होते हैं जुगाड़ू स्मार्ट होते हैं इंडियन इंजीनियर्स की बात की जाए इंजीनियर कैन फिगर अगर आपने उसे पैसे दिए तो और पैसे मोस्टली या तो एंजल इन्वेस्टर्स से आते हैं या तो विस आई डोंट ईट वॉन्ट अ टॉक अबीज राइट नाउ या शुड वी टॉक अबाउट उसकी पूरी एक डिस्कशन से चलो फंडिंग की प्रॉब्लम है मैं बेसिकली आपसे एक बहुत वनोवन सवाल पूछ रहा हूँ जो 22 साल के ग्रैड

चीज़ आप में यूनिक हो या आपकी टीम में यूनिक हो जो मार्केट में ना हो और आप उसके थ्रू कुछ बनाएँ तो उस प्रोडक्ट में या सर्विस में जो भी हो वेबसाइट बना रहे कुछ भी मतलब उसमें हार्ड और सॉफ्ट का मतलब नहीं है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का मतलब नहीं है वो इंफॉर्मेशन लेकर जो बनाते हैं उसकी मार्केट में प्राइस होता है ये कैपिटलिज्म का फंडामेंटल है फंडामेंटल ऑफ कैपिटलिज्म इज की इफ़ यू प्रोवाइड समथिंग यूनिक इन द मार्केट एंड द इज डिमांड फॉर इट देन द डिमांड एंड सप्लाई मीट एट एट अ प्राइस राइट अगर आप में कुछ यूनिक है अब आप सॉफ्टवेयर में ले लीजिए गया और आप हार्डवेयर में ले लीजिए आपको यूनिकनेस ढूंढनी है मैं वही बोल रहा हूं कि सॉफ्टवेयर में यूनिकनेस ढूंढना अभी डिफिकल्ट है क्योंकि इतना आसान हो गया सॉफ्टवेयर बनाना हार्डवेयर में यूनिकनेस ढूंढना स्टिल आसान है क्योंकि इंडिया में मैनुफेक्चरिंग नहीं हो रही है इन दोनों के लिए कैपिटल चाहिए ऐसा थोड़ी ना सॉफ्टवेयर बटन दबा दो हो जाता है उसके भी लोग लो हरिंग चलती है राइट उसमें फंडिंग चाहिए होती है राइट दोनों के लिए कैपिटल चाहिए इसके कैपिटल सॉफ्टवेयर कैपिटल की जो यूज होती है या उसकी नीड होती है वो डिफरेंट होती है हार्डवेयर कैपिटल की डिफरेंट होती है और यही एक बढ़िया चेंज आता है बाईस साल वाले के लिए एक बैंक हार्डवेयर वाले को फंड करने के लिए ज्यादा तैयार रहता है क्योंकि उसकी हार्ड एसेट्स होते हैं फैक्ट्री हो गई इन्वेंट्री हो गई जो कि बैक्ड बाय कैश है इन्वेंट्री हर चीज की डॉलर वैल्यू है सॉफ्टवेयर में तो और डिफिकल्ट है तो वी जो पूरा इकोसिस्टम है वो सॉफ्टवेयर के लिए बनाया ही इसीलिए गया भाई तो वीसी ऐसे नहीं है कि हजारों साल से आ रहे हो राइट Hmm. क्योंकि रिस्क इन सॉफ्टवेयर सच हाई दैट यू नीड अ स्पेशल टाइप ऑफ कैपिटल रिस्क कैपिटल फॉर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का तो और आसान है बिकॉज वट एवर यू प्रोड्यूस बियॉन्ड द फर्स्ट प्रोटोटाइप टाइप विच कैन बी वेरी यू नॉट नॉट वेरी एक्सपेंसिव इट्स एक्चुअली फंडेबल मतलब आप लोन लेके हार्डवेयर बिजनेस स्टार्ट बिल्कुल कर यार पर लोन देगा कौन हा ग्रीट और उससे पहले आइडिया निकलेगा कहाँ से अब देखो वो एक वो एक ट्री है हम ट्रेवल्स कर रहे हैं उसमें काफ़ी प्रॉब्लम है लोन कहाँ देंगे लेंगे इसको हायर करें यहाँ तो काम करने को तैयार नहीं है इसीलिए मैं कल्चरल वाइप शिफ्ट की बात कर रहा हूँ कि एज अ नेशन अगर हमने वाइप शिफ्ट नहीं करी मैनुफैक्चरिंग में मूव नहीं किए तो लोन इज अ स्मॉलर प्रॉब्लम देर बिगर प्रॉब्लम्स वर्कफोर्स नहीं है रेडी नहीं है ट्रेन नहीं है इलेक्ट्रिकल का काम करना नहीं जानते हैं आपको बिल्ड करनी है ना कोई चीज़ तो आपको पूरी सप्लाई चेन सेटअप करनी पड़ती है राइट सॉफ्टवेयर की तो अलग सप्लाई चेन है चलो अच्छे अच्छे लड़के ले लिए आपने कॉलेज से यहाँ के तो आपको फिजिकल हार्डवेयर जिनको अच्छा आता हो हमारी यूनिवर्सिटी तो प्रोड्यूस ही नहीं कर रही है वैसे लोग यार हार्डवेयर का काम करना नहीं आता है लोगों को और उसका एक और फैसेट है कारीगरी सुना है कारीगरी कारीगर सुना है हर सिटी में आप चले जाइए तो वहाँ पे अच्छे कारीगर होते हैं जो मकान बना लेंगे घर बना लेंगे मिस्त्री कहते हैं उनको बहुत अच्छा काम करते हैं पूरी जो कारीगर की पूरी एक क्लास है यू नो you know, एक तो उनको हम लोग समझते नीचे अपने से नीचे जो दि दिमाग से काम करेगा वो स्मार्ट है राइट वो पूरी क्लास डिस हो रही है काम में प्राइड किसी की नहीं है कोई प्राइड नहीं है जब बीस साल पहले कारपेंटर घर पर आता था और अच्छा काम करता था उसमें प्राइड थी कि वह सोफा बनाएगा अच्छा बनाएगा मैं काफी लोगों को जानता हूँ मैंने थ्राइड भी लिखा है एक प्रेम करके एक कारपेंटर पर थ्रेड लिखा है जो पुणे के हैं बहुत अच्छा काम करता है बहुत अच्छा काम करता है कारीगर बहुत अच्छा है बट उसकी जो बिरादरी है वो डिसअपियर कर रही है क्योंकि लोगों को हाथ से काम नहीं करना है और काम में प्राइड नहीं है फंडिंग और आइडिया तो बाद में आएगा वर्कफोर्स जो हमारी वो रेडी नहीं है काम करने को वो रेडी तब होगी काम करने को जब हम लोग एक्सेप्ट करें एज अ नेशन कि ये हमारा फ्यूचर है हमें ये करना है और एज ए सेट एटीन थर्टी अट्ठारह साल थर्टी तक के लोगों को ये बिलीव होना चाहिए कि हम काम करेंगे काम में प्राइड लेंगे अच्छी अच्छी कंपनी अच्छे अच्छी प्रोडक्ट बनाएंगे और दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट होंगे और ये काम में प्राइड इज़ इन जापान इज़ इन कोरिया इट इज़ कम इन चाइना नाउ इट कम इन इंडिया बट दिस डजेंट एग्जिस्ट टुडे आज नहीं है और ये तब आएगी जब हम लोग तो कन्वर्सेशन तो करें लोगों को बताएं तो कि यार जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो हमारे टीचर ही प्राइड नहीं लेते हैं स्कूल में कॉलेज में टीचर कहाँ प्राइड लेते हैं वही मार मार के पढ़ाना वही रट्टा लेना अब तो ए आ गया यार तुम्हें रटने की क्या जरूरत है तुम तो फोन रखो सारे आंसर मिल जाएंगे तो प्राइड प्राइड लो काम काम पे और काम की नेटिव होती है एक बिजनेस का बहुत स्टैंडर्ड गोल्डन रूल रहता है कि जो भी आपके देश के पॉलिटिकल पार्टीज कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस उनकी बात सुनो तो जब मैंने किसी भी पॉलिटिशियन या किसी भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर से बात किया शो पर अबाउट वॉट शुड द यूथ लुक सेक्टर्स हमेशा माइक्रोचिप्स की बात होती है सेमी की बात होती है

विद डैट माइंड सेट वी नीड चिप्स एज वेल एज बेस मैनुफैक्चरिंग एज वेल एज हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज मिड टेक मैनुफैक्चरिंग एज वेल एज सॉफ्टवेयर बिकॉज टू जनरेट अ इकोनॉमी ऑफ सेवन टेन ट्रिलियन डॉलर यू नीड टू फायर ऑन ऑल सिलेंडर चिप्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टूडे मतलब आपको जियो पोलिटिकल पावर मिल जाएगा चिप्स की वजह से अरे पावर तो दूर की बात है एग्जिस्टेंस आपकी विल बी इन थ्रेड बिकॉज चिप्स होते क्या एग्जैक्टली होते क्या सेमी कंडक्टर एक, एक चीज होती है सुपर कंडक्टर वर्ड सुना है ना तो यार सेमी कंडक्टर तो बेसिकली जो हमारे ट्रांजिस्टर्स छोटे तो से लॉजिक सर्किट बोर्ड्स में लगते हैं छोटे छोटे वो जरूरत पड़ती है बेसिकली हर चीज को आज के डेट में फ्रॉम दिस माइक राइट टू दिस लाइट लाइट में भी लगते हैं छोटे छोटे क्योंकि उसमें कोई ना कोई लॉजिक होगा कि यार रिमोट आप चला सकते हो उस पर या वो ऑफ हो जाएगा जब रूम में कोई एक्टिविटी नहीं होगी मतलब हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर एक छोटा सा कंप्यूटर होता है इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक का इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं क्योंकि छोटा सा छोटा सा कंप्यूटर होता है उसके अंदर वो कंप्यूटर बहुत छोटा हो सकता है और बहुत कैपेबल हो सकता है और जितना वो कैपेबल होता है उतना वो डिवाइस ज़्यादा काम कर सकती है जिसमें आज की डेट में सबसे क्रिटिकल टेक मेरे ख्याल से है ड्रोन ड्रोन टेक्स ड्रोन टेक जो है जो ड्रोन्स आपने सुना भी होगा देखा भी होगा दे हैव इन थ्योरी द अबिलिटी टू स्टॉल एनी एंड आई मीन एनी एयर थ्रेट इंक्लूडिंग मिसाइल्स अगर आप ड्रोन स्वाम बना लें मतलब ड्रोन में कोई लिमिटेशन ना हो और आपके पास बहुत बड़ी फैक्ट्रीज हैं और आपने एक दो तीन नहीं तेज सैल पचास नहीं पच्चीस हजार ड्रोन निकालती है पचास हजार ड्रोन बनाती है एंड उनको लॉजिक मतलब इधर आजकल तो ए आ गया है सॉफ्टवेयर लॉजिक से उनको लिंक कर दिया दे कैन एक्ट लाइक अ स्वॉम चोर चिड़िया देखिए ना बहुत सारी चिड़िया झुंड में निकलती हैं ड्रोन का अगर एक लाख ड्रोन का झुंड किसी चीज के पीछे पड़ जाए इंक्लूडिंग मिसाइल बताए हुए हैं बचेगा नहीं कुछ इंक्लूडिंग प्लेन्स तो इतना ज्यादा डेंजरस टेक्नोलॉजी है दैट कैन बी यूज फॉर ट्रिटी मच एनी थिंग आर मूवीज एक मूवी है आ, वो आ, लंडन एज वो क्या भूल गया नाम यार वो जो समथिंग समा उसका सेकेंड पार्ट उसमें एक सीन है ये काट देना जो मैंने भी बोला उसमें एक सीन है उसमें एक ड्रोन सॉम आता है और यूएस प्रेसिडेंट को अटैक करता है और वो सीन देखना दैट अ साइड दैट्स अ थ्योरी Uh, in Malibu, I'm not sure if that's possible or not, but that gives you a glimpse of how strong drones can be. And drones, tech, like, you must have seen those videos from China that they do drone songs and produce images from thin air, right? You have seen those things. They can be used in a lot of ways, both destructive and constructive. US made drones are delivery over here. Now, that delivery, as I said, uh, any technology can be used for both good and bad. Delivery can also be delivery of यूक्रेन में देखा है ने राइट सीधे एक ग्रेनेड डिलीवर कर देते हैं टैंक के ऊपर कोई कॉस्ट नहीं उसकी बहुत चीप कॉस्ट है एंड द इन द चीपर द कॉस्ट द मोर यू कैन मेक तो इमेजिन इफ यू हैव जस्ट ड्रोन्स एंड दे आर ड्रॉपिंग स्मॉल ग्रेनेड्स ओवर योर सोल्जर्स देर हेल्पलेस राइट कैन इमेजिन यूर वॉर योर ह्यूमन सोल्जर्स कान फ्लाई एंड यू हैव लाइक अ मिलियन ड्रोन कमिंग अटैकिंग यू एवरी डे दस नो वे टू डिफेंड एंड दैट्स वेयर यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग डोंट टेक

एज ऑफ न मोस्ट चिप टेक्नोलॉजी में बन रही है दिस इज लाइक ताइवान इज एन आउटसोर्स यू नो लोकेशन फॉर मेकिंग चिप्स सो द चिप्स कुड बी फ्राम एन बी डिया प्रोड्यूस चिप्स फॉर एनवीडिया सो ए आई के लिए सारी सारी जो ए आई हो रही है वो एन बी डिया चिप्स में चलती है उसका अपना रीजन है बट दो चिप्स आर मैनुफैक्चर इन ताइवान द अदर पार्ट ऑफ दिस इज दैट द चिप मैनुफैक्चरिंग उनकी जो दंपनी दैट मेक्स the machines that makes the machines that company is called asml that is a netherlands based company only one company in the world that makes a machine that can make a machine for chips like you know higher up in the value chain so netherlands company and taiwan company and i think samsung which is korea which makes chips so very few countries that make it and because historically they were outsourced providers of चिप मेकिंग इसका लॉजिक क्या होता है कि सिर्फ एक ही कंपनी है दुनिया में मतलब जापान में कोई ऐसी कंपनी के बारे में क्यों नहीं सोचता द कंपनी दैट मेक्स द मशीन दैट मेक्स द मशीन नो बिकॉज एंड ऑफ द डे दिस इज अ वेरी मॉडरनाइज वर्क सो उसमें मार्जिनस कम होते हैं बिकॉज जो ब्रांड होती है मीडिया की होती है सारा पैसा तो वही मानेंगे ना तो इट इज़ ऑप्टीमाइज इन अ फैक्ट्री विच कैन प्रोड्यूस थाउजें मिलियंस ऑफ एंड प्रोडक्ट्स फॉर एज अ नो एम फॉर द ब्रांड विच मीन्स दैट यू नो मार्जिन मैटर तो एक ही जगह बनेंगे बिकॉज ऑप्टोमाइज़ होगी वो जगह बट ए आई के बाद ये क्लियर हो गया कि मतलब ये बिल्कुल ये टेक्नोलॉजी मतलब अभी देखो हम लोग चिप्स की बात कर रहे थे चिप्स की बात तो हमने बोला ड्रोन वो अभी ड्रोन वन छोड़ दो नॉर्मल ए आई जो चलाते ना चार जी बी टी वगैरह उसके लिए चिप्स यही है होते हैं अब इंडिया की कहाँ पर ए आई है हमारे पास तो कोई ए आई नहीं हमारे उसको एल एम कहते हैं जो मॉडल होता है तो उसको चलाने के लिए तो चिप्स हमारे पास है नहीं देखो एक चीज़ होती है बाहर से टेक लाना और उसको इंडिया में रेप्लिकेट कर देना टाटा ने खोल दिया एप्पल ने और सेंटर खोल दिया हमारी जो लोकल वर्कफोर्स है जो इन पर काम करती है वो मैनेजरी लेवल के नहीं होते हैं उनसे नीचे होते हैं हाथ पे काम करती है आई थिंक चिप्स में तो लोकल वर्कफोर्स ही कम लगती है ये नोहाओ ये नॉलेज मेरे ख्याल से नेटिवली इंडिया में अभी नहीं आ रही है इवन आफ्टर प्रोडक्शन एंड आइड डी बाई बहुत सिंपल सी बात है कौन सी इंडिया की मोबाइल ब्रांड है जो इंडिया में पूरा मोबाइल फोन बनाती हो? शेंजन का नाम सुना है शेंजन इज द कैपिटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन द वर्ल्ड इट इज नॉर्थ ऑफ हांगकॉन्ग चाइना में जहाँ पे सारी इलेक्ट्रॉनिक्स बनती है जब चाइना लिबरेट हुआ लिबराइजेशन का भी हुआ था ना तो उन्होंने शेंजन से स्टार्ट किया था स्मॉल विलेज था आज मेट्रोपोलिस है वहाँ पे शंजन में कोई भी तुमने प्रॉड सुना हो एंकर का नाम सुना होगा वहीं से आया है एंकर की का स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है गूगल का इंजीनियर था जो सिल्कन वैली में काम करता था लॉर्ड के एंड गया चाइनीज इंजीनियर और उसने बोला हम हार्डवेयर कर कंपनी स्टार्ट करेंगे एंकर स्टार्ट कर दी शनझन से शनझन में अगर हो और तो मैं कुछ बनाना है नई चीज़ बनानी है भैया मुझे ये नया चाहिए ऐसा टिक सर्किट बोर्ड तो सुबह जाओगे शाम को दे देगा नया डिज़ाइन दे देगा दे दे नया सर्किटरी कुछ ऐड करके नई चीज़ निकालनी है नया मोबाइल फ़ोन टाइप का निकालना बन जाएगा इंडिया में शनजन टाइप का कुछ एग्जिस्ट नहीं करता अगर यहाँ बोलोगे बनाने का तो हफ्ता तीन दिन तो लगना लगना है कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है तो उससे इनोवेशन नहीं होता है तो सबसे बड़ी चीज़ इंडिया की इस समय ये है कि जैसे बैंगलोर में सारा सॉफ्टवेयर होता है कुछ बनाना है तो सब लोग मिल जाते हैं हार्डवेयर बनाने के लिए हमारे पास कोई लोकेशन नहीं है एक जगह नहीं है जहाँ पे सारी चीज़ें और सारे लोग साथ में मिल जाएं सबसे लाइकली लोकेशन क्या है है ही नहीं सबसे लाइक पहले इस पर ट्विटर पर काफ़ी बात करी है लोगों से और तो किसी ने बोला नोएडा किसी ने बोला बैंगलौर? बैंगलोर बैंगलोर जंगलों में काफ़ी काफ़ी स्टार्टअप्स हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टअप्स हैं काफ़ी काफ़ी कम हो रहा है बट uh, सबसे लाइकली जो लोकेशन होती है वहाँ पे कस्टमर वेंडर बड़े आसानी से मिल जाते हैं अब भैया अगर वो पोर्ट के पास हो तो शिपिंग भी हो जाती है अच्छी तरह से अब हमारा डेडिकेटेड पेट कॉरिडोर बन रहा है जो नोएडा से कनेक्ट कर देगा बॉम्बे को बड़ी जल्दी लेकिन उसके बिना भी अगर हम बॉम्बे या गुजरात में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बट भाई कहीं भी, भी बना लो बेंगलोर में बना लो बट वी नीड वन प्लेस वेयर यू गो अच्छा सच्ची बात है ये यू गो एंड टेक दिस श्योर एस बी टू शेंजन टेक अ फ्लाइट फ्रॉम एयर गो टू शन गिव इट टू अ वेंडर रैंडम वेंडर अ रैंडम मॉल अच्छा मॉल जैसे होते हैं ना यहाँ पे मॉल होते हैं वैसे वहाँ मॉल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल यहाँ पे दस नहीं पचास नहीं हजारों वेंडर होते हैं मैंने पिक्चर फोज करी हुई है कि एक बहुत बड़ा हॉल होता है पच्चीस माले की बिल्डिंग है और हर माले में एक बहुत बड़े हॉल है और छोटे 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 दुकानें हैं जो जैसे वर्क होती है ना ऑफिस वाली कोवर्किंग वैसे होती है बट कोवर्किंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स छोटे 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 हजारों वेंडर अपना काम कर रहे होते हैं उनको बोलो ये बनाना है वो तो देखेगा बोलेगा हाँ ये बन जाएगा अपनी भाषा में बोलेगा चलो ये बन जाएगा दस डॉलर में और तुमको ये तीन दिन में बना के दे देगा फिर तुम बोलोगे ये मुझे स्केल करना बोलेगा इस वेंडर से बाल लो इस तुम सामान वामान लेके ऑर्डर दे दो एंड दैट इज हाउ यू बिकम सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडिया यू गेट इट फ्रॉम शन शनजन चाइना बोलते हो ना चाइना जो बोलते हो उससे शनजन होता है उसका मतलब मैंने पूरा वीडियो पोस्ट किया शनझन की रोड और उसका पूरा

मतलब फिरंग भी होंगे वहाँ वाइट पीपल शेंजन को विजिट करते होंगे वो वीडियो बनाते हैं बहुत अभी दो तीन दिन पहले का वीडियो है किसी का कि वो जा रहा है और अपना कुछ नई चीज़ बना रहा है घंटी वंटी बना रहा है बैठ के और पूरा इसकी एक कॉटेज uh, इंडस्ट्री है जो बनवा के आइटम अमेजन पे बेचते हैं यूएस पे उसको पता है ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं ड्रॉप शिप मैन्युफैक्चर कस्टमर को डायरेक्टली शिप कर देता है तो वो पूरा ड्रॉप शिपिंग का नाम सुना होगा ड्रॉप शिपिंग राइट वो पूरा नया कन्सेप्ट ही है यार इंडिया में तो हम लोग डिलीवरी लेते हैं पहले कस्टमर आप वेंडर हम और ये मेरा वेंडर मतलब मेकर हम हम ये मेरा वेंडर ये पहले मुझे देगा मैं अपने गोडाउन में उसकी डिलीवरी दूँगा जे सी क्लियर करूंगा फिर मैं आपको शिप करूंगा बहुत रेयर केसेस में वो डायरेक्टली शिप करता है hmm. जबकि चाइना में तो ये स्टैंडर्ड है मैं बैठ के अमेजोन पे अली पे स्टोर बनाऊंगा मैं कोई इन्वेंट्री नहीं रखूंगा ये आपको डायरेक्टली शिप करेगा आप ऑर्डर दोगे ये अपने आप पहुंच जाएगा आपके पास ये चीज़ ये कल्चरल चेंज है जो कि इंडिया में बहुत एस को प्रॉब्लम होती है गोडाउन रखो सामान रखो क्यू करो उसके ऊपर फिर चार गालियाँ सुनो वो चीज़ अब नया सामान बनाने में तो जानते हो हमेशा टाइम लगता है एफर्ट लगता है पता नहीं होता है क्या क्या क्या, क्या गड़बड़ होगी तो अगर मैन्युफैक्चरर खुद ही देख ले तो उसकी डिमांड बढ़ेगी कस्टमर का भी काम हो जाएगा और हमें पैसा मिलेगा तो ये ये बहुत डिफरेंट चेंज है तो शनझन जाना हाँ बिताओ तीन महीना शनझन मेरे इंडिया में शनझन बन जाए यार मेरी आत्मा को शांति मिले <laughs> सही बता रहे हैं मजाक नहीं कर रहे हैं इंडिया में शनझन बनना बहुत ज़रूरी है बहुत जरूरी है आगे निकलने के लिए एक शनझन इंडिया में चाहिए यार मेरे दिमाग में तो यही चलता रहता है यार इंडिया में शनझन छोड़ो यार इंडिया में मतलब एक शंघाई चाहिए हमें हाई राइजेस चाहिए यहाँ पर तो यार टॉल बिल्डिंग बनाने नहीं देते हैं क्या है शंगई की खासियत क्या है बीजिंग की खासियत क्या है हर सिटी की एक अलग पर्पज़ होती है चाइना में एज फार एज चाइना नहीं।, नहीं वो देखो जो तुम तो बोल रहे हो वो स्टेट्स पर अप्लाई होता है शंघाई और बीजिंग तो बॉम्बे और दिल्ली और न्यूयॉर्क और डी सी एक कैपिटल है ऑफ़ पावर एक कैपिटल ऑफ इकोनॉमिक पावर एक कैपिटल ऑफ पॉलिटिकल पावर बीजिंग इज़ योर कैपिटल ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड शंघाई इज़ योर इकोनॉमिक पावर राइट वो वो बड़ी बात नहीं स्टैंडर्ड है बट वो सिटीज़ बहुत अच्छी तरह से बनाए हैं

वो देखने में लग रहा है कि बिल्कुल मतलब फ़र्स्ट वर्ल्ड है और हमारे टेयर थ्री सिटी देख लो जो बिल्कुल गाँव लगते हैं और ये जो चौकिंग करके सिटी है टी ए टू टी थ्री उसको देख लो तो उसको लगता है कि मतलब बिल्कुल फर्स्ट वर्ल्ड है और रोड्स इंफ्रा सीवेज हर चीज़ बेस्ट है हर चीज़ ये चीज़ इंडिया में जो है ना वो उसको मैं प्राइड बोल रहा हूँ उसको मैं वो बोल रहा हूँ कि ये हमारे पॉलिटिशियन तो छोड़ो हमारे इंजीनियर्स हमारे जो बिल्डर्स हैं वो उसकी बात उठाते नहीं है बात नहीं करते हैं कि इतना घटिया है मतलब कि अगर वो सौ है तो हम पचास पे नहीं है हम एक पे बैठे हुए हैं और वो दस साल से वही चल रहा है तो वो चीज़ हमने जब देखी हाईवे पे बड़े जल्दी अच्छा काम होता तो है हाईवे हमारे इक्वलेंट होने वाले हैं वो बात दूसरी कि उनके शायद हंड्रेड थाउजेंड किलोमीटर है हमारे शायद फाइव थाउजेंड किलोमीटर है हंड्रेड थाउजेंड किलोमीटर्स एक्सप्रेस वे फॉर द सेक ऑफ बटर लॉजिस्टिक सेट द मैनुफैक्चरिंग हब ऑफ दर्ल्ड कुछ नहीं करो कुछ मत करो गूगल मैप पे जाओ शंगाई और लेट्स बीजिंग इसमें देखो डिस्टेंस कितना है और टाइम कितना लगता है तुम्हारे गाड़ी से जाने का फिर दिल्ली बॉम्बे डाल दो सिमिलर डिस्टेंस है देखो टाइम कितना लगता है मतलब सिर्फ गूगल मैप पर देखो जाने की जरूरत

जब एक आदमी भूखा पेट सोता है इंडिया में तो वो ज़्यादा डिम्यूमाइजिंग है ना एक जनरेशन में पॉवर्टी साफ़ कर दी जब मैं यहाँ पे गाड़ी से आ रहा था तो मैंने देखा था स्लम्स रास्ते में बच्चे सड़क पे भीख मांग रहे थे मेरा तीन साल का बच्चा है तो मैं तीन साल का देख रहा था तो मैं अपने बच्चे को जब सोता है और जब उठता है और जब उसके दिमाग में ये सोचता में चलता रहता है कि खाना कब खिलाना है उसको अपने हाथ से क्योंकि मैं सब सोचता रहता हूँ तीन घंटे हो गए चार घंटे हो तो खाना खिलाना है तो बच्चा सड़क पे भीख मांग रहा है तो मेरे पास मतलब रोने और दुख के अलावा कुछ सलूशन होता है कि ये बेचारा कैसे इसको मैं कैसे हेल्प कर दूँ वो ज़्यादा डीय्यूमनाइजिंग है अरे भाई वो ज़्यादा डीय्यूमेनाइजिंग है हम लोग ज्यादा डीय्यूमेनाइज हैं अब उसको मैं पैसे दे दूँ लेकिन अगला आ जाएगा कितना को पैसे देंगे हम क्या करें समझ रहे हो बात को जब वो पूरे पॉवर्टी एक जनरेशन में साफ करी जैसे भी करी हुई देखो या ऐसा सच्चाई तो ये है कि सीधी तरीका कोई नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से पुअर जो सफ़र करते हैं पावर्टी के थ्रू जाते हैं मैं लोअर मिडिल क्लास से हूँ मेरे घर में गाड़ी तो बहुत दूर की बात है मेरे घर में फ्रिज नहीं था मेरे घर में टीवी बहुत देर में आया है फ्रिज था नहीं टीवी बहुत बाद में आया था जानते हो गए उस टाइम पर काम पर बत्ती तो आती नहीं थी तो गरीबी देखी है और हमसे गरीब लोग मतलब हम तो खाना मिलता था कम से कम मतलब गरीब तो बेचारे खाना बिना खाना खाए रहते हैं तो वो ज्यादा है ये ध्यान रखना आई वु एनी थिंग इफ आई हैड ऑप्शन एक बहुत बॉम्ब ओरिएंटेड पॉडकास्ट है आप ट्रूथ बॉम्ब फेंक रहे हो मतलब हर कोई यहाँ आके कहता है कि China, आप वी कैन टेक ऑन चाइना वी कैन बीट चाइना बट आप चाइना में घूमे हो वहां बिजनेस किया है रहे हो वहां हाँ मतलब टेक ऑन चाइना और वो अलग डिस्कशन है राइट क्योंकि उन्होंने गलवान में काफ़ी पंगे लिए तो हम लोग सिविलाइजेशनली वेरी अपसेट हैं बट तुमने जो बात की ना कि टॉप डाउन और बॉटम अप और चाइनीज़ लोग की इमोशन नहीं जो भी है वो अलग बात है गलत बात है और मेरे ख्याल से वो कल्चरली सिविलाइजेशनली कलेक्टिव अच्छा सोचते हैं और हम लोग नहीं सोच पाते हैं बट मैं तुमको मतलब गारंटी से बोल रहा हूँ इफ़ यू हैड एन ऑप्शन आई हैड एन ऑप्शन टू फिक्स द प्रॉब ऑफ पॉवर्टी एंड हैव एवरीबडी यू नो हैपी है जॉब पॉवर्टी की दूसरी प्रॉब्लम भी है खाना फ्री में देखे कुछ नहीं होने वाला hmm. और चाइना में खाना फ्री मिलता भी नहीं है समारो बात को हम लोग क्या सोचते हैं अपना जो अठारह सौ सदी वाला जो आइडिया है खाना दे दो फ्री में कुछ नहीं होगा उसका उसकी लाइफ सेटिस्फाइड नहीं होगी यार वो खाना फ्री में दो बार भी खाएगा ना उसको सेटिसफेक्शन नहीं मिलेगा उसटिफेशन काम करके मिलेगा प्रोड्यूस करके मिलेगा जॉब लाइफ अच्छी करके एजुकेशन बच्चे पढ़े हों उसके होप उसकी जिंदगी में कोई का, हाँ काम करने का आगे का तारा दिखे कि भैया ये नॉट स्टार है इसको चेज करना है तब जाके वो ह्यूमन की लाइफ अच्छी फुलफिलिंग जिएगा अब उसको मुंह में खाना फेंक दो वो सोल्यूशन नहीं है भाई तो वो चीज़ एक सिविलाइजेशनल चेंज से ही आएगी कि भाई मैं क्या बात उनको बताता हूँ देखो चाइना में रेवोल्यूशन हुआ उनका जो भी हुआ ठीक है बहुत लोग मरे उसमें पचास मिलियन लोग मरे अगर इंडिया में रेवोल्यूशन चाहिए हमको बिना किसी को मारे हुए तो हमको ये रेवोल्यूशन चाहिए प्रोडक्शन का बिल्ड का रेवोल्यूशन चाहिए हमको आंट्रप्री रेवोल्यूशन चाहिए जो रियल चीज़ बनाए तो हमारी जो ट्विटर पे एक थ्योरी है उसको हम लोग इनैक कहते हैं इंडियन एक्सोरेशन कि इंडियन एक्सोलेशन आएगा इंडियन सेवोलेशन आगे बढ़ेगा जब इंडियंस प्रोड्यूस करेंगे प्रोड्यूस का मतलब हो गया चीज़ें बनाएंगे अपने हाथों से बनाएंगे अपनी फैक्ट्रीज में बनाएंगे लोगों को जॉब देंगे और वो आगे बढ़ेगा क्योंकि हमने चाइना में देखा है ऐसा ही होता है वियतनाम में देख रहे हैं वियतना भी देखो बहुत अच्छा कर रहा है बिना चीज़ें बनाए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बोल लो जो भी है कि सॉफ्टवेयर इज़ नॉट द आंसर टू दैट सर्विस इज अ गुड थिंग टू हैव बट अनफॉर्चुनेटली देर इज नो वे जोमेटो कैन हेल्प Right. My belief is that if anything, I'm gonna, with all respect, with all due respect to Dipendra Goel, the matter actually hurts this process because you are employing a vast majority of your workforce in not delivering value but delivering basically food by driving cars around by driving um, bikes around, and they are not actually producing anything, and they will never have their careers. Right? When a 20-year-old पर शायद उसका बच्चा कुछ कर सकता है और अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी तो उसका बच्चा भी यही करेगा और ये हम लोग हम लोग डी हैं कि हम ये चीज़ देख नहीं रहे हैं हम लोग मिडिल क्लास हो गया अपर मिडिल क्लास हो गया कि ये नीड ऑफ दी आर है इसके लिए जो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और इसको हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा अब पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं इसके इसके uh, <laughs> काफ़ी इशूज़ हैं इंडिया में बट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोडक्शन है प्रोड्यूस बिल्ड बेटर ट्रूथ ये है कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुनेंगे उसमें से सिर्फ पॉइंट वन परसेंट लोग मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड ऑनट बनेंगे लाइफ में पॉइंट जीरो वन परसेंट लोग एंड हमें अगर पॉइंट वन परसेंट नहीं मिल जाए एक आदमी की जिंदगी भी चेंज हो जाए तो अपना जो पॉडकास्ट का टाइम है ना ये वसूल हो गया

एट दिस स्टेज एट एज थर्टी मेरा एडवांटेज है डिस्ट्रीब्यूशन पर मैं इसे मैन्युफैक्चरिंग के साथ कैसे जोड़ू देखो डिस्ट्रीब्यूशन इन मैनुफैक्चरिंग टूडे इज बिल्ड ऑन द एग्जिस्टिंग रेल्स फॉर एक्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिया अमेजॉन डॉट कॉम पर लिस्ट कर दिया प्रोडक्ट एटम बर्ड अमेजोन से बेचता है टॉप थ्री फोर फाइव प्रोडक्ट देखोगे तो उसी के ट्रांसपेरेंट है रिव्यूज आएंगे अच्छा होना चाहिए सर्विस आपकी अच्छी होनी चाहिए आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए बट ऐसा भी नहीं है कि भैया बिल्कुल रॉकेट साइंस हो सिंपल प्रोडक्ट है डिलीवरी है फुलफिल कर रहे हैं ठीक है एक प्राइस पॉइंट है उस प्राइस पॉइंट को मीट कर रहे हैं क्योंकि फैन है टेक इंडिया में अभी तक फोन वाला नहीं बनाया लोकल मैन्युफैक्चर अभी तक नहीं बनाया क्योंकि टेक ज्यादा है होपफुली नेक्स्ट फ्यू ईयर्स वो भी बनाना शुरू कर देंगे जब हम शैनसंग बना लेंगे होपफुली इन अ फ्यू ईयर्स हम टीवी बनाने लग जाएंगे इंडिया में जो कि चाइना से इंपोर्टेंट नहीं इंडिया में बनेंगे सो द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ होपफुली वीडियो कॉन्स लेड बाय टेक आंटरप्रनर्स नॉट

है ना तो ऐसा तो नहीं है कि 140 करोड़ जो लोग हैं अब होल्ड बोल रहा हूँ तो आधे हाउस ही पकड़ लो कि तो उन्हें कार नहीं चाहिए कोई किसी से पूछो सड़क पे कि कार लोगे नहीं हमें कार नहीं चाहिए ऐसा नहीं।, होने वाला ना उसको भी चाहिए उसके बच्चे को जो यूएस में कार वन इज टू वन ऑक्यूपेशन कार ओनरशिप तभी ऐसा होगा कि कोई घर पे अपने घर में अमीर गरीब कुछ ना ले सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी सैलरी कम है या बजट नहीं है तो इंडिया जैसे ग्रो करेगी उनकी इनकम ग्रो करेगी बहुत कंज्यूम करेंगे यार और ये कंजप्शन वही बात है कंजम्पन है अगर आप मेरी जगह होता है पॉडकास्टिंग पॉडकास्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन और फिर आप मैन्यक्चरिंग भी करते हैं घंटे की पॉडकास्ट मतलब चलो ठीक है podcast, इट हैज़ नथिंग डू विद योर एबिलिटी टू प्रोड्यूस समथिंग सेपरेटली विच भई इलॉन मस्क एक कार कंपनी चलाता है एक टू ड चलाता है एक स्पेस कंपनी चलाता है तो हम लोग काम को करते हैं ना कि एक वर्ड ए झसकी जितनी झस हो उतना करता है तो तुम्हारी जितनी झसो औका हो उतना करो क्यों नहीं कर सकते हो यार कोई टेम्पलेट नहीं है कोई टेम्पलेट नहीं है भैया एलॉन मस्क को देख लो जय बजोस को देख लो यू एस के जितने भारी भारी फाउंडर्स रहे हैं मल्टीपल चीज़ें करी मैंने जब कंपनी मैं मतलब तो तो मेरी कंपनी का मोटिवेशन क्या था तो मैं जब लास्ट ईयर था तो मैं आईटी टी लाइब्रेरी में किताब पढ़ी उसका नाम था सॉफ्ट वॉर एस ओ एफ टी डब्लू एर आप इफ़ यू कैन पुल इट अप लेटर ये किताब है लैरी एलिसन पे लैरी एलिसन हम मैं, मैं एक लव हूँ वो हमारे दोनों चार्ट रहे हैं वो सारी सैस के बाप है औरल के फाउंडर हैं तो सरसूज का नाम सुना होगा हुँ. वो उनकी कंपनी से निकली थी उनके मार्क बनी ऑफ यूज टू वर्क फॉर हिम कोई कंपनी का नाम सुना उसे वो लैप लेकिन उसके ऊपर ही वॉज अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ स्टीव जॉब्स सो वेन स्टीव जॉब वॉज किड ऑफ एपल ही गॉट स्टीव जॉब्स बैक इन टू एपल थ्रू हिज मैकेनिज्म फिर स्टीव जॉब की शादी भी उसने कराई बहुत अच्छा उसका एक स्टोरी है कि जब लैरी लेसन शी जॉब को देखते थे तो सी जॉब्स सिंगल थे तो उनको मैच मेकिंग कराई उनकी सोरी वहां खत्म नहीं हुई दैट इलाम मस्क एसला बोर्ड मेंबर, के इनिशियल फाउंडर अभी इन्होंने टोटल खरीदा ना उसमें उन्होंने एक डाले हैं। तो एक ऐसा फाउंडर जो सबको कनेक्ट कर रहा हो पीछे से तार जोड़ रहा हो विदाउट एंटरिंग दील्ड एंड विदाउट दिस शॉर्ट टर्मनेस की मेरा इसमें क्या फायदा है विच इज बेसिकली अंडसेट ऑफ अबेंडेंस इंडिया में क्या होता है दो फाउंडर्स तो एक दूसरे ही काटते हैं सबसे पहले hmm. राइट इंडिया में कोई फाउंडर ही नहीं है जो अब ये बोलना नहीं चाहिए कह रही गलत बात है बट इंडिया में काफी फाउंडर्स है जो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं हेल्प नहीं करते हैं स्कैसिटी माइंड है योर विन इज माई लॉस अगर तुम जीतोगे तो मेरा लॉस है तो सबसे पहले तुम मत जीतो बात तो वहां स्टार्ट करते हैं अब उसके बाद मेरी विन होनी चाहिए तो और एक और एंटी मतलब दो लेवल के एंट्री हैं पहले तो तुम लूज करो उतना काफ़ी नहीं है कि हम दोनों विन करें और फिर मैं विन करूँ उतना काफ़ी नहीं है कि दो तुम लूज करो मैं बैठ जाऊँ नहीं तो ये इससे क्या होता है कि इको सिस्टम बहुत टॉक्सिक हो जाता है कोई किसी को एडवाइस दे किसी पूछने जाओ तो गलत एडवाइस देगा तुमको गलत घुमा देगा कुछ और कर देगा एक दूसरे पर इतना ज़्यादा भरोसा कम है एज फ्रेंड्स जैसे तुम्हारी हमारी बात ऐसे रैंडमली हो गई भाई एज फ्रेंड्स हम किसी और की बात कर रहे थे एस सो राइट एंट्रप्रीनर की जो थोड़ा सा रूटता बट ये ओपननेस ही नहीं है इको सिस्टम में हर आदमी अपना अपना अपने लेवल पे बहुत बड़ा बना हुआ है और उससे क्या होता है कि इकोसिस्टम इतना वीक होता है यूनाइटेड खड़े नहीं हो पाते हैं कि कोई भी इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए कोई भी रेल्स नहीं बनती कोई भी फाउंडेशन नहीं बन पाती हैं तो मैंने एक पोस्ट लिखा बहुत पहले कि नेस्कॉम फाउंडर देवांग मेहता करके हुआ करते थे जिन्होंने इन्फोसिस टी सी एस सत्यम उस टाइम पे सबकी हेल्प करी थी बाय इंट्रोड्यूसिंग विदर्मेंट देन एट दैट टाइम टोन माजन के साथ एस टी पी आई टेन ईयर्स टैक्स हॉलीडे ही वॉज सो केपेबल दैट ही वन टू यू एस विद्रू क्लिंटन ऑल दे आर एक्चुअली गॉट एच वन बी एच वन बी सोना हुआ ना वो इन भाई साहब ने किया था दिमाग मता ही डाइड अली ने का नाम सुना होगा उसके फाउंडर वन ऑफ द फाउंडर्स एक्चुअली तो वो नहीं है इंडिया में वो इकोसिस्टम नहीं है तो हम लोग को वो लाना है तो तुम्हारी पॉडकास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव है कि तुम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करो खड़ा वो कौन सी मूवी मतलब सड़क से स्टार्ट बना दूंगा <laughs> <laughs> वो जरूरी है फाउंडर्स को लाओ यार जिनकी शक्ल लोगों ने नहीं देखी होती पर उनके आइडिया अच्छे होते हैं उनको लाओ बात कराओ लोगों को बोलो कि यार देखो सुपर हीरो की जरूरत नहीं है जो हवा से सुपर मैन मन के आएगा तुम्हारे आस पास ही हैं तुम भी हो सकते हो तो हो पाती है लोगों को कि अरे ये गया तो मैं भी कर सकता हूँ मैं करूँगा तो ये करेगा तो जो इस समय इतनी मिस्ट्री और है स्टार्टअप में और इसमें और वी चाहिए मैं तो एंटाई एलिटिज्म हूँ यार कि मतलब हर आदमी आईटी से होना चाहिए क्यों भाई सेकंड टीयर थर्ड टीयर कॉलेजेस बारह कॉलेज छोड़ो बिना कॉलेज के निकलो एज लॉन्ग एज यू हैव द एबिलिटी पर उनकी आवाज बोलने के लिए सुनने के लिए तुम्हारे थ्रू ही जाएगी उनके पास तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना देन यू बिकम हाउ इज लाइफ इन अमेरिका इन ऑर्डर टू ग्रो अ बिजनेस मतलब वो एक्सपीरियंस जनरली कैसा रहा है हाउ इज लाइफ इन अमेरिका फॉर ग्रोइंग बिजनेस बिजनेस जो भी आपने लाइफ में ग्रो किया है सिंगापुर अमेरिका में शफल कर रहा हूँ <laughs> मतलब मैं जनरली अमेरिका के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ मैं वर्ल्ड माइनस इंडिया के बारे में पूछ रहा हूँ फॉर ऑनपर्स टू लीव इंडिया मतलब ये लॉजिक है क्यों बहुत सारे लोग छोड़ते हैं इंडिया को. तो जनरली एक्सपीरियंस कैसा रहता है? क्या है? देखो ऐसा है, कि जब एक रेल्स बनी हुई है, मतलब मतलब एक ट्रैक बना हुआ है एजुकेशन का ठीक है तो जो इंडिया छोड़ रहा है बाय लार्ज एजुकेशन हायर एजुकेशन के रास्ते छोड़ता है कि दे स्टडी अंडर ग्रैड और दे स्टडी प्रो ग्रेड आउटसाइड इंडिया विच कुड बी यू एस और एनी अदर कंट्री एंड देन होप फुल गेट इन दियर कल्चर एंड होप फुली गेट लॉन्ग टर्म थिंग गोइंग इन दर कंट्री एंड ये वो चाइनीज़ हो चाहे इंडियन हो अगर नंबर देखोगे तो उतने ही चाइनीज़ लोग एग्जिट करते हैं एग्जिट करते हैं कंट्री को जितने इंडियन करते हैं चाइना तो बहुत अच्छी कंट्री हो क्यों एग्जिट कर रहे हैं आई बी इन सिंगापुर और सिंगापुर को भी लोग छोड़ते हैं मलेशियज भी छोड़ते हैं सो देर इज़ नो एक्सेप्शनल सिनारी कि यार ये ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है वो उतना ही हो रहा है नंबर देखो तो लोगों को नई जगह जाना तो हम लोग ह्यूमन से यार ह्यूमन को नई हाँ एक्सप्लोर से यार तो नई जगह जाना और नई चीज़ देखना तो बहुत नेचुरल एट डेट एज बहुत नेचुरल एक नीड होती है नीड होती है कि दुनिया को देखना और वो फिर इवॉल्व होती है उसके बाद थाईलैंड अच्छी जगह होती है बिजनेस के लिए होंडा से uh, बनती है होंडा बनती है बड़ी अच्छी जगह बिजनेस हाँ यार अच्छी जगह बिजनेस मतलब दूसरे देश भी मैनुफैक्चरिंग के बारे में सोच रहे हैं क्या जिस तरह बहुत आलोच चल रहा है थाईलैंड तो बहुत आगे है मैनुफैक्चरिंग के लिए इंडिया से बहुत आगे है एक ही कंट्री है एशिया में जो वर्ल्ड वॉर टू में हारी नहीं थी पता कौन सी है जिसने सरेंडर नहीं किया था एक ही कंट्री है थाईलैंड जापान के साथ संधि कर ली थी बट आउटराइट राइट क्योंकि इंडिया भी ब्रिटिश के अंदर था सिंगापुर ब्रिटिश के अंदर था मलेशिया पूरा ब्रिटिश था इंडोनेशिया वियतनाम वियतनाम फ्रेंस के अंदर था राइट था जो इंडिपेंडेंट रहा है थ्रू आउट काफी प्राइड है थाई प्राइड था काम बहुत मेंनती, बहुत मेहनती मेहनती लोग हैं hmm. ये बार बार मैं बोल रहा हूँ यार बहुत मेहनत के बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मेहनत का एक काउंटर पार्ट होती है मैं तो ये भी बोलता हूँ कि जो सबसे ज्यादा जिस थाली में खाता है उसमें छेद करता है वाला करियर होता है वो सॉफ्टवेयर का होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर सबसे ज़्यादा अपनी अपनी जॉब को गाली देते हैं सबसे अच्छा पेड़ होते हैं सबसे तो ज़्यादा सब से गाली देते हैं खैर सेपरेट डिस्कशन ब्लैक पिले पहुँच गए हम लोग <laughs> जो इंडिया को छोड़ के जाता है वो आई थिंक ड्रिविन बाय न्यू ईयर पास एंड देन दे रियलाइज इवन इन यू एस इट नॉट इजी टू गेट अ जॉब नाउ एज यू मे नो राइट इट्स हार्ड टू प्रोग्रेस दैट कल्चरल बैरियर इन अ न्यू कंट्री And then you realize that you are in a country like US, you are very, you know, so a standard thing, cut out, aloof. and You need to make your own community, but you can be independent. So some people like that, some people don't like that. But it, everybody knows it, that The US is very, I mean, I tweeted again. What happened was that when I was, young, I was American. Uh, से दोस्ती हो गई ऑनलाइन बिजनेस करने वाले भैया से जिन्होंने मुझे थोड़ा धंधा ऊंदा भी दिया था बाद में तो जब वो इंडिया आए तो मैं एयरपोर्ट पर गया हमको लेने और मैं हमारे घर पर रुकिए आप वो थोड़े शूडेंट करके थोड़ा से यंग टाइप थे तो उन्होंने कहा नहीं हमारे घर पर रुकी हम हमने उनको घर पर लिया हमें घर छोटा था हम लोग घर पर ले गया उनको भले उनको ना पसंद आया मुझे पता नहीं लेकिन एक दिन रुके हमारे घर पे बढ़िया हमने भैया खाना वाना का पैर धोए उनके बेसिकली जब मेरे काम पड़ा तो जब मेरा वीज़ा वीज़ा फाइनली लगा तो मैंने उनको बोला मैं आ रहा हूँ आपके यहाँ मिलने तो उन्होंने अगली मेल से बता दिया भैया देखो ऐसा है कि जब तुम लैंड करना इस एयरपोर्ट पर तो यहाँ से तुमको ट्रेन मिलेगी उस ट्रेन से तुम यहाँ पर जाना वहाँ पर सारे होटल मिल जाएंगे <laughs> मैं तुमको सुबह मिलूंगा अगले दिन मेरी सिटी पिटी को मैंने कहा होटल खैर hmm. <laughs> मैंने इतना इंतजाम किया प्रोफेशनली मिलने आए हाथ 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 जोड़ा हाँ, 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 मिले और और बढ़िया बातें बातें बट उनका खाने खाने का पैसा और हमारे खाने का पैसा उन्होंने हमारे हमने दिया आर्म स्ट्रेंथ हाँ ही होता है भैया क्या बात कर रहा हूँ यार वहाँ पे दो दोस्त खाना खाने जाते हैं पूरा बिल स्प्लिट होता है बिल की तो कंट्री है पूरी वो तुम अपना खाओ स्टैंडर्ड है अरे मुझसे तो यार होता नहीं है यार मैं जब गरीब था अल्ट्रा गरीब था तब भी जो खाना खाने किसी के साथ बैठे तो मुझे खुद बिल क्योंकि आदत है ना इंडिया में नहीं मैं दूंगा मैं दूंगा तो वो आदत गई नहीं यार अभी तक मुझसे मतलब कभी नहीं हुआ कि मैं किसी खाना खाने के किसी के साथ जाऊं और वो उसको बिल देने दो कल लो अभी जी चावड़े से बात हो रही थी तो मैंने बोला सर लेट इट बी माई यू नो लंच नहीं आई विल गिव इट कैन बी यू आर अ गेस्ट मतलब इंडिया की यार भलाई किसी को ना जानते हो लेकिन इंडिया में एक कल्चर है कि भाई हम खाना देखें यूज है बोल दिया भैया मिल लिए काम किया उनके साथ फिर मुझे रिलाइज हुआ कि ना उनके साथ चिपकना चाहिए ना उनसे दुश्मनी चाहिए तो बी गुड अक्वेंटेंस बट यू कैट लिव इन देयर होम्स बहुत रेयर होता है कि दे कॉल यू एंड हैव यू स्टे इन देयर होम्स राइट द थिंग इज की वेट दैट लीड्स टू इज वेरी वेरी यूनिक कल्चर विच में यू मे नॉट लाइक इट नॉट फॉर एवरी वन नॉट फॉर मी दो इवन फॉर मी वेरी हार्ड वह डिप्रेशन मतलब बिल्कुल अकेले घूमो जो करना करो और बहुत ट्रांजेक्शनल ट्रांजेक्शनल मतलब बिल्कुल इंडियन तो खैर ठीक होते हैं लेकिन बाकी सब बहुत ट्रांजेक्शन होता है तो मेरे ख्याल से तो अब तो वही बात है ना कि यार वो जो लड्डू खाए वो भी पछताए और ना खाए वो भी पछताए वाली सिचुएशन है कि जाओ तो नहीं जाओगे तो फिर पछताओगे कि गए नहीं तो जाके देख लो भैया और क्या दीक्षित जी मज़ा है आपके साथ आपके आपके साथ भी भी आया थैंक थैंक यू यू इंजीनियरिंग वाली हो गई है बट दैट्स बेस्ट फॉर मी सो आई फील की अगली बार जब मिलेंगे और बातें होंगी uh, आपके केन मास्क रिवील के बाद स पता चलेगी so, <laughs> you, bro, we'll तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट यार इतने सारे टॉपिक्स कवर नहीं हुए क्योंकि कुछ कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं अपनी पॉडकास्टिंग जर्नी के दौरान जिनके पास एक भंडार ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है बहुत सारे चीज़ों के बारे में बहुत कुछ पता होता है तो आई फील कि जब शशांक भाई लौट कर आएंगे टी पर उनके साथ और भी बातें होंगी पर यह बताइए कि इस एपिसोड में आपको अच्छा क्या लगा मुझे बहुत मज़ा आया एक फेलो इंजीनियर के साथ बात करके उनके साथ बैठ कर सीख के और यही होती है पॉडकास्ट की खासियत जस्ट अभी पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ है दिमाग काफ़ी ज़्यादा हैवी है बट कुछ कुछ लोग की बात है ना कि दिल में रह जाते हैं दैट्स वॉट आई एन्जॉयड अबाउट दिस एपिसोड दिमागी बातें हुई है जो सीधा हार्ट में एंटर कर गई आई एम श्योर यू फेल्ट द सेम बट अंटिल नेक्स्ट टाइम मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इनके ट्विटर अकाउंट को फॉलो कीजिए पहले तो इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कीजिए यहाँ प्रोटोसफिंग्स की रिवील हो चुकी है दोस्तों एंड फॉर मोर एपिक एपिसोड्स लाइक दिस टी आर एस को फॉलो करते जाइए क्योंकि हम बहुत ही जल्द लौट कर आएंगे एक और तोड़ फोड़ एपिसोड के साथ नमस्ते लॉर्ड्स ऑफ लव जय हिंद